थाना भवन से सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं, जबकि ओपी राजभर जो आपके पुराने सहयोगी थे वो 27,000 वोटों से आगे चल रहे। बोलिएगा राकेश, जारी रखिए, मैं बीच बीच में जानकारी देता रहूंगा। जनता पार्टी से बहुत सारे आरोप लगा करके स्वामी प्रसाद मौर्या जी बहुत सारे आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए थे और 25,000 वोटों से लगभग मेरी जो जानकारी है कि उनकी हार हो चुकी है। बिल्कुल, इसी तरह से दारा सिंह चौहान, वो भी गंभीर आरोप लगा करके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, वो भी सरकार छोड़ करके गए थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। धर्म सिंह वो जीत गए, वो भी चुनाव हार गए, पलट गए। दारा सिंह चौहान की जीत हो गई है, छोड़ करके गए थे, गोशी से जीत गए हैं दारा सिंह चौहान। ताजा आंकड़ा आपको बता रहा हूं। मेरे पास जानकारी थी नहीं, नहीं मैं बता, वो था आपके पास जानकारी, लेकिन कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे, वो जीत गए। अगर जीत गए हैं तो दारा सिंह चौहान को बधाई है, जीत गए हो तो दारा सिंह चौहान को बधाई है। लेकिन ये सच है कि बदवन सीट से, जहां से वो पहले विधायक थे, हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो अपनी सीट से चुनाव लड़े, वो जाकर के उन्होंने सीट अपनी बदली घोसी से, और घोसी में भी कितना क्लोज फाइट रही है ये भी आपने देखा है। अगर वो जीत गए हैं तो निश्चित यहाँ एक और बड़ी खबर, एक सेकंड रोक रहा हूं राकेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।